हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी जलपरी यानी कि मरमेट। और इसको हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है और पूरा बनाते हुए इसका एंड हमने यहाँ पे किया है। तो आप बड़ा छोटा यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये रो सिर्फ उल्टा और सीधा जिसको बुनना आता है वो ईजिली इसको बना सकता है। तो यहाँ से हमने इसको 24 फंदे डाल के ये रो बनाते हुए मैं यहाँ तक गई हूँ, फिर इसको हमने कंप्लीट किया है। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सीधी पट्टी ये बना ली है और फंदे हमने यहाँ पे 24 डाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 फंदे डाले हैं। और देखिए लाइनिंग में हम बता देते हैं आपको, यहाँ से हमने ये 10 रो पीच कलर से बनाई हैं। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, देखिए 10 हमने ये बनाई और 20 हमने पिंक बनाई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये देखिए। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। और यहाँ से देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रो हमने ये बनाई और 10 ही हमने ये बाइट की बनाई। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये देखिए। और 10 ही रो हमने ये ग्रीन की बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ से जो होती है स्टार्ट 9 और ये वाली। टोटल ये 10 रो हमने इसकी भी बना ली हैं। तो इस तरह से आपको एक ये सीधी पट्टी बना के तैयार करनी है। इधर से सीधा बुनना है, उधर से उल्टा बुनना है। तो ऐसे हमने बनाई है और ये रो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने इसकी वीडियो आपको नहीं दिखाई है क्योंकि उधर से सीधा बुना है, इधर से उल्टा। तो ऐसे आप बना लीजिए। जब आपकी इतनी रो हो जाएंगी तो इन फंदों को आप इस तरह से देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, ये सारे फंदे इस धागे में ऐसे ले लेंगे। और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप ये रो बढ़ा लीजिए तो बड़ी बन जाएगी। और थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो चौड़ाई में ज़्यादा फंदे लेके और लंबाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप देखिए इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से अब हम इस सुई को निकाल लेंगे और यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे करेंगे इस तरह से फोल्ड करके और इसी धागे में से देखिए हम सुई को डालेंगे। तो आप देखिए यहाँ से लेके पूरा मिलाते हुए हम इसको यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा देंगे। ऐसे देखिए इस जगह से स्टार्ट किया है। अभी देखिए ये नीचे वाला पार्ट खुला है, यहाँ से हम पूरा ऐसे सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए इसको मिलाते हुए सिलना है आपको, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अब ये वाला आ गया। तो आप चाहें तो इन्हीं कलर से सिल सकती हैं जो कलर इसमें लगाए हुए हैं, लेकिन ये अंदर रहेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से हम पूरा इसको यहाँ तक सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली है इस तरह से। तो ऐसे आप देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे। ये वाली सिलाई जो है पीछे के साइड जानी चाहिए क्योंकि ये जो डॉल है ये मशीन से बनती है। तो इस तरह से मशीन से ये पूरा ज्वाइंट होके बन जाती है। तो आप इस तरह से इसको कर लें, हम इसको सिलाइयों से बता रहे हैं। तो अब देखिए इस कॉर्नर से हम इसको सिंपल सिलाई बता रहे हैं, बिल्कुल आप आसानी से इसको सिल सकती हैं। जो नॉर्मल सिलाई होती है उसी तरह से आपको ये यहाँ पे नीचे का पार्ट जो है सिल देना है ऐसे। ये देखिए ये हमने ऐसे कर लिया तो ये ठीक बीच में आ रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जलपरी काफ़ी अच्छी बनेगी और बहुत ही जल्दी आप बना पाएंगे। ये देखिए छोटा छोटा सिलना है ये ऐसे।
यहाँ पे अब हम पक्का कर देंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। तो अब देखिए हमने इसी धागे में ये सुई डाल ली है, इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हमने सीधा कर दिया। अब देखिए हम ऐसे इसको पलटेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए हमें ये पीच कलर की रोल आनी है जहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। अब इसको ध्यान दीजिए, आप इनको धागों को लेंगे ऐसे, हर धागे को उठा लेंगे इस तरह से और राउंड में इसकी सिलाई करेंगे। जो धागा जहाँ पे हमने छोड़ा है, इसीलिए हमने छोड़ा है क्योंकि हमें इसकी ऐसे सिलाई करनी है अंदर के साइड से। और ये देखिए इस तरह से सभी धागे हम उठा लेंगे, आराम से ये उठ जाएंगे इस तरह से और इनको टाइट कर देंगे। ये देखिए एक बार हम और इनमें से ऐसे निकाल लेंगे धागा, ताकि अच्छे से यहाँ पे ये इस तरह से देखिए बंद हो जाए। ये देखिए और वापस हम यहीं पे आके एक टांका लगा के इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद पक्का कर देंगे। अब इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। तो अब देखिए हम इसमें कॉटन भरेंगे यहाँ पे, तो इसको हमने पलट लिया और यहाँ से इसमें हम बहुत ज़्यादा कॉटन नहीं भरेंगे, हल्का सा मीडियम रहना चाहिए ऐसे। देखिए इस तरह से ये दबना चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ से इसको भी इसी कलर से इसके भी धागे उठाएंगे एक इस तरह से। बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे और बिल्कुल आसान है ये, और आप सिलाइयों से बना सकते हैं इसको। मशीन से बनने वाली चीज़ आप अपने हाथ से बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सारे धागे इस तरह से उठ जाने चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ तक सिल लिया और यहाँ से भी हम इसे टाइट कर देंगे। ये देखिए ऐसे ये आराम से इस तरह से हो जाएगा। आप दोबारा से एक बार और घुमा दें ताकि ये और अच्छे से यहाँ पे हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए इसको भी ऐसे पक्का करके काट देंगे। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पे इसका शेप आ जाएगा। तो ये ऐसे, अब देखिए ये वाला पार्ट है तो इसको भी हम इस तरह से फिल कर लेंगे और इस धागे में ही ये डाल लेंगे सुई। अब देखिए यहाँ पे हमने रुई भर ली है इसमें कॉटन। अब इस कलर से इसको उठाएंगे ऐसे। कॉटन फाइबर जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको अच्छे से भर देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ से इसको खींचेंगे ऐसे, थोड़ा सा और हम डाल देंगे हल्का सा। ये देखिए उसके बाद हम इसे टाइट कर देंगे। अच्छे से ये टाइट हो गई है और यहाँ पे हम नॉट लगा के कंप्लीट करते हैं। आप देखिए तो इस तरह से ये हो गई है। अब देखिए हम इसमें भी ऊपर वाले में भी ऐसे थोड़ा सा इसको खोल देंगे और इसमें भी ये डाल देंगे।
इसमें देखिए अच्छे से आपको भर देनी है, जितनी आसानी से आ जाती है। ये देखिए दोनों पार्ट ये इस तरह से आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये बाइट फेस बन जाएगा। आप चाहे तो पैर के मैचिंग का भी फेस बना सकते हैं इसको। हमने इसमें बाइट बना दिया और देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह से इस धागे को खींच देंगे और जो मैंने यहाँ पे ये वाला धागा छोड़ा था इसको ऐसे फंसा लेंगे इस तरह से। और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो आपको एडजस्ट कर लेना है इसको और अच्छे से देखिए इसमें ये भर के थोड़ा सा यहाँ पे खींच लिया हमने। एक बार हम और इसमें से घुमाएंगे इसको धागे को ऐसे, ताकि ये खुले नहीं काटने पर। ये देखिए अब यहाँ पे हम लगा देंगे एक नॉट ताकि ये अच्छे से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और इस धागे को हम थोड़ा सा इस तरह से अंदर के साइड लेके यहाँ से देखिए ऐसे, तो ये यहाँ से हम ऐसे काट। तो अब देखिए इसके बाल बनाने, तो बालों के लिए आप बूल, तो देखिए बालों के लिए हम इस तरह की बूल यूज करेंगे। आप चाहें तो ऐसी भी जो 3 प्लाई की होती है इसको भी यूज कर सकते हैं, पतले पतले, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब लगाना किस तरह से है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे बराबर कर लेना है और देखिए यहाँ से हम एक लाइन ये छोड़ देंगे ग्रीन वाली, दूसरी लाइन में से हम ऐसे देखिए इसको निकालेंगे और देखिए इसको हम ऐसे इसी में से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए तो इस तरह से ये हम देखिए अब दूसरा लेंगे और इस तरह से करेंगे। अब देखिए इस वाले में दूसरे वाले में भी हम ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से ये लगते जाएंगे ऐसे। तो हम ऐसे ही 3-4 राउंड लगा के कलरफुल, या फिर आप चाहें तो एक कलर के ही इसमें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक ही लाइन इसकी ब्लैक कलर की बना दी है। अब देखिए चोटी किस तरह से बनानी है आपको, यहाँ से देखिए ऐसे थोड़े थोड़े ये ऐसे लेने हैं हल्के से, ये इधर के अभी इधर कर देने हैं और देखिए ऐसे एक से करके ऐसे एक और ले लेती हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे फुलाते हुए इस तरह से, ये देखिए ऐसे उठाते हुए ये बना देने हैं, तो ये पफ जैसा बन जाएगा। यहाँ पे ये बन गया ऐसे। अब देखिए ये वाले हैं, इनको घुमाते हुए आपको ऐसे लेना है और सारा ये ढकते हुए यहाँ पे ग्लू से चिपका देने हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कैप भी लगा सकती हैं इस तरह से। देखिए ये इकट्ठे करके यहाँ पे ऐसे ये हो गए। तो अब हम यहाँ से कैसे एक चोटी का शेप दे देंगे और चोटी यहाँ पे इसकी बना देंगे, तो इधर भी ये चोटी आपको साइड में बनानी है। आप चाहे तो ऊपर भी बना सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना लीजिए। इनको आपको ऐसे थोड़ा सा फुलाते हुए ही ये देखिए ऐसे आएगी, तो ये यहाँ पे और इसको आप चिपका दें तो ये सही से आ जाएंगे, ढक भी जाएंगे और ऐसे। तो देखिए इस तरह से ये तो बाल हो गए। और यहाँ पे देखिए बालों को फिनिशिंग दे दें आप, यहाँ से जो छोटी बड़ी बूल है उसको कट कर दें। और अगर आपको ये पतले बाल चाहिए तो आप इनमें कंघी से इनको पतला भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाल कंप्लीट होते हैं, तो हाथ के लिए हमने देखिए क्रोशिया से बनाए हैं और 12 चेन बना के हमने 12 ही ये डबल क्रोशिया बना दिए हैं, 11 डबल क्रोशिया, क्योंकि एक को छोड़ के हमने दूसरे से स्टार्ट किया था, तो 11 डबल क्रोशिया ये बन के कम्प्लीट हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे इसके हाथ ऐड हो जाएंगे, ये देखिए 2 हमने बनाए हैं इस तरह से सिंपल बनाए हैं। और देखिए इस तरह के इसके पंख बनाने हैं, तो ये हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये मैजिक रिंग में बनेगा। तो ऐसे देखिए फिंगर पे हमने लिया, यहाँ से देखो निकाल लिया ऐसे, ये निकाला, इसको हम ऐसे खोल देंगे। अब यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे खींच लेंगे थोड़ा सा और पहले हम बनाएंगे 1, 2,
इस तरह से दो चैन। अब देखिए एक और दो, दो बार लपेटेंगे इसके अंदर से बनाएंगे, एक बार देखिए, दो बार और तीन बार, छोटे से बड़ा बनाएंगे। अब देखिए हम तीन बार लपेटेंगे ऐसे, एक दो तीन और चार, ये देखिए फिर से तीन बार लपेट के थोड़ा सा हम लूज बनाएंगे ये वाला, ताकि इससे थोड़ा सा बड़ा रहे ऐसे, तीन चार, एक दो तीन चार और पांच। अब देखिए ये देखिए एक दो तीन चार, चार बन गए हैं इसमें, देखिए एक दो तीन चार पांच छः, तो यहां से चार, एक दो तीन चार और पांच, एक बार हम और तीन चार, इस तरह से आप थोड़ा सा लूज छोड़ते जाएंगे इसको, तो ये अपने आप इस तरह से आपका छोटा बड़ा होता चला जाएगा, या फिर आप अंटे भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बनके कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे कट, ये देखिए इस तरह से इसको निकाल दिया, इसको हम सुई की मदद से अंदर खींच लेंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसके ये पंख बनके तैयार हो गए। आप चाहे तो इसको इस तरह से इससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी धागे से जो इसका पैर का ये साइड आएगा, यहाँ पे ऐसे टांकना है आपको, और इसके ऊपर इस वाले पंख को ऐसे टांक देना है। तो देखिए ये जलपरी ऐसे बनेगी, तो हम इसको टांक के फिर दिखाते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे टांक दिया, यहाँ पर भी हम इन दोनों हाथ को टांक के एक फ्लावर सेट कर देंगे। और देखिए इसको आपको यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करना है, तो हम इसी धागे को ऐसे लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से हल्का सा और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा हम यहाँ पे ऐसे, देखिए इस तरह का शेप आना चाहिए। तो ऐसे हम थोड़ा सा टांक देंगे इसको, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसे कट कर देंगे।